नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में हूं राकेश। मुंगेर के जैन धर्मशाला के सभा कक्ष में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन पे मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश जैन, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहन वर्मा के साथ भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी कार्यकर्तागण मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश जैन ने पत्रकारों से कहा कि हमारी पार्टी के ओबीसी मोर्चा की ये पहली बैठक है जो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर की जा रही है। साथ ही इस बिंदु पर भी मंथन करेंगे कि बिहार में दलितों, पिछड़ों, किसानों की सुधी लेने वाली मजबूत सरकार हम दे सके। एक कमेटी पूर्व में कोरोना काल में ही गठन हो चुका था प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में। चूंकि सोशल डिस्टेंशन का पालन करना था तो लॉकडाउन टूटने के बाद हम तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलकर और कैसे कोरोना काल में लोगों को मदद किया जा सके वो एक हम लोग आज डिबेट में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के बाद हम लोग फिर से एक बार लोगों के बीच सहायता लेकर पहुँचे अपनी टीम के साथ। धन्यवाद। मेरा नाम मोहन कुमार वर्मा, जिलाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा मुंबई। की बैठक यहाँ हमारी पार्टी का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ओबीसी मोर्चा, तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा की आज यहाँ पर पहली बैठक जिला की हो रही है जो परिचय के रूप में भी है और चूंकि अब हम लोग चुनाव में जा रहे हैं तो इसके लिए क्या रणनीति होगी और जो हमारा ये महत्वपूर्ण हिस्सा है वो चुनाव में किस ढंग से लगेगा इस पर भी मंथन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियों के जो भी सल हैं उनकी जो बैठकें जा रही है ताकि आने वाले चुनाव को लेकर जो रणनीति है वो बनाया जा सके। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।